मेहनत होता है और सर मेरी तरह सही है काबू काबू सही है अब मैं खुदा वज भाई को आके के जहन्नम को इनकार थी सकदे पर को कौन थी सकदा एक को पूरी माशाल्लाह देखो जो हुलिया देखो अजा तक भी मजदूर वाला हुलिया माशाल्लाह आप भी समझो मजदूर बने करा अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है जनाब ठीक हो खैरियत है मैं उम्मीद करना तुसा खैरियत नाल होसो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह दा टाइम है और असा अपनी शॉप ते पहुंच गए हैं ते ए सिर दे नाल लेदे पे जरे कपड़े लथन ना सिर दे नाल इस सिर दे नाल जेडी करदे पिंदो को इन्हें ज़रा तरतीब ठीक कहनी थी ला थी मतलब इन सैटिंग जरा ठीक कहनी इन तरतीब जरा मैं ठीक कर गई ना ये भी सिर के नाल जेड़ लाते ये भी उन्हें जिन्हें रजाया परदे भी लाथन तो बेडशीटा भी हैं जरा इन ये तरतीब ठीक कहनी बनी जी ने जरा इन्हें को सैट कर गई ना मैं हूँ तुसा देखो तो वाल बाद भी दिखाए कि किमें लगता हूँ देखो जनाब तरतीब किमें बन गई है ये रजाया लाथन सारे और ये भी रजाया और ये बेडशीटें और ये परदे ये सारी तरतीब बन गई है देखो पहले किमें लगती पी तो हूँ किमें लगती पी पहले एक बजे सारे ही में चढ़े पे हूँ देखो तरतीब सोहनी लगती पी है चाय आ गई है सर चाय पींदो हाजिर है सत बिस्मिल्लाह चाय पींदो सारी दुकान तशरीफ गिना होता कुछ चाय पिलाऊँ सर पर नाश्ता ना पींदे पीऊँ हर बंदे दी अपनी अपनी रूटीन होती है कोई चाय ज़्यादा पींदे कोई गर्मी के बोतल ज़्यादा पींदे लेकिन 24 घंटे के अंदर अगर चाय एक दफ़ा मेरे को ना मिले ना वाल मेरे इवें समझो सिर दर्द पै गए 24 घंटे के दौरान एक दफ़ा लाजमी चाय पीना मैं ये बैटरी के अंदर ना कल पानी ख़त्म थी गया इन पानी असा ताज़ा कर गए इन क्योंकि ज़्यादा देर वाल पखा भी ना चलता इन उत्ते साफ भी करे मैली थे लाती है सारी तो इन अंदर पानी छटे न पानी के अंदर कल मेरी ठा ख़त्म थी गया बिल्कुल क्योंकि पखा ज़्यादा देर ना चलता ना वाल मैं कहीं वजह क्या हो सी भाई तो पानी मैंने कल चेक किया तो पानी बिल्कुल ख़त्म थी गया पानी बिल्कुल कहनी दे पानी से बिल्कुल मुकम्मल कर गई देसे इंदा और ये मैली भी ढेर थी पी को साफ ही कर गई बैटरी सारी थी कि है बिल्कुल ओके फिलहाल इन्हें मैं ढक्कन कहने दीते ढक्कन कुछ देर बाद देने हैं जो पानी तो नहीं करता पाया पानी की बिल्कुल फुल थी लाती है तो एक कन्वर्टर ला थे झिमके मरी नहीं पे लाइट इंदी यानी कि बैटरी इंदी चार्ज थी पी है अलहमदुल्ला अज दोपहर का खाना सी असा अपने दोस्त खुदा बख्श साहब को खेते पियूँ तो बैकग्राउंड तक महसूस ही पाया असा उन्हें शॉप पर बैठूँ तो मर का देखो छिकी पेन काम को मेरे को आसरा करो सी और से आसरा नहीं थी जो अगर असं आसरे बैठे रखे तो मदी न बची बखंदे पे अभी ना मैं खुदा बज भाई को आके के जहन्नम को इनकार थी सकते पर को कौन नहीं थी सकता एक को शुक्रिया सी कुछ नहीं पहले मेरा रिश्तेदार मेरे को मिले रस्ते के अंदर तो उन्हें मैं पूछा वो अपना जरा खुलिया तो अपनी जरा हालत चेंज की बता मैं किसी खैर क्या थे वे वहाँ के सर तुम्हारी लिफ्ट कहनी तुम आँदे कहने सारे कहने और तो सारी हालत कि पता लगती मैं सर गाल का मतलब तो दसो मैं सर मकान बनवा क्यों अपना इतने तुसा चक्कर लेने नहीं देख रही तुसा वो करी गरीबे कहने चक्कर लाओ देखो मैं सर जरूर इंशाला ताबेदार नौकरी देसू अज तकरीबन दूजा त्रीजा डी है अज उन्हें नवे नए पे उन्हें मकान भी देते हैं तो उन्होंने गपशप भी लें छोटा भाई मेरा ड्राइविंग करना बेटे मोटरसाइकिल की पहुँच गए जनाब तो ये देखो इन्हें मकान बनता पे है समान शमान देते पे उसो दीवारा शिवारा ये वो और इतों अगर कमरा बने सन देते पे जितना अगर चार पाई पई है इतना अगर कमरा बने सन तो वैसे इन्हें पहले एक मकान हावी पे लैन दे पिछू नजर पे तो दो त्रै कमरे बने अगर तो इन्हें नाल ही इन्हें प्लाट एक ब्याह किए थे इतना अगर वाला दीवार दीवी इन्हें देते पे दीवार खड़ी है दीवार ही इतना अगर वाला कमरा पे मजीद ब्याह बने देना तो फिलहाल हूँ भी उन्होंने हालत ये मजदूरी वाली कार जी मजदूर वे हो तो पानी शानी ठंडा बनने पेन आ वजन थोड़ी मुलाकात करवे फिलहाल तो घर दसी नजर बादशाह ठीक हो सी खुश हो
ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਲਾਓ ਗੁੱਟੀ ਵੜਾ ਠੀਕ ਹੋ ਸਹੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੁਣ ਆਇਓ ਸਹੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਏ ਪਿਆਰਾ ਅਸੀਂ ਅਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਇਓ ਕੰਮ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤੱਕ ਘਰ ਦਾ ਸੀਨ ਇੱਧਰ ਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਕਿਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਪਿਓ ਕਾਠੀਆਂ ਪੈਣ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਲਣ ਪੈਣੇ ਦਾ انتقال بھی ہے بغیر انتقال علی ہے اچھا انتقال ہو سی بلا ٹھیک ہے ایتھے نہ بھی کالی رکھ کے کیوں جل دوں دوپہر دا ٹائم ہے جناب تے گھر وینے پیو تھوڑا ریسٹ بھی کرنو اور ڈریسنگ بھی ذرا اپنی چینج کرنو کاشف بھائی ساکو سدی بیان کے پرینک دی ویڈیو شوٹ کرنی ہے ਅਤੇ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਆਓ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਕਿਨੇ ਵੀ ਲਾ ਵਿਹਨੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵੀ ਤੱਕ ਮਾਹੌਲ ਵਾਲਾ ਦਿਖੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਵਧੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੈੱਕ ਕੇ ਸੌਣ ਘਰ ਦੋ ਮੈਨੇ ਜੀ ਜਨਾਬ ਇਹ ਪ੍ਰੈਂਕ ਜੀ ਨਾ ਪਏ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਪ੍ਰੈਂਕ ਦੀ ਔਰ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਂਕ ਕਰੇ ਸਨ ਔਰ ਇਹ ਸੈਟਅਪ ਥੀਂਦਾ ਪਏ ਔਰ ਇਹ ਦੋ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਖੜਨ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰੇ ਸਨ ਸਾਰਾ ਜੀ ਐਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੰਦੇ ਜੀ ਐਨ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੋ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਹੁਣ ਜੁਲਦੇ ਪਿਓ ਦੇਖੋ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਤੀ ਜੋ ਖੜੇ ਹੋਣੀ ਲੱਗਦੀ ਜਿਵੇਂ ਖੁੱਲਾ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਤੀ ਖੜੇ ਹੋਣ ਜਿਤਨੀ ਹਾਰਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਜੁਲਦੇ ਪਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੇ ਤਾਂ ਜੁਲਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਿਆ ਨੂੰ ਓਕੇ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਜੀ ਐਮ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੀਨਾ ਪਸੀਨਾ ਥਿਆ ਵਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਪੈਦਲ ਆਏ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਸਤੇ ਪਸੀਨਾ ਪਸੀਨਾ ਥੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰਮੀ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਂ ਦੇਖੋ ਬੋਤਲ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਜਮ ਠੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਖੈਰ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਓ ਰੀਅਲੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜੀ ਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਟੂਡੀਓ ਹੈ ਔਰ ਖਬਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਨਵੀਂ ਨਵੀਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਹੈ ਯੂਟਿਊਬ ਦਾ ਨਿਊ ਸਿਆਲ ਸਟੂਡੀਓ ਫਾਜ਼ਿਲਪੁਰ ਸਟੂਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਵੱਲ ਆਈ ਹੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਹਦੇ ਪਿਓ ਘਰ ਵਜਣ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਤਲਬ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਸੂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਗਰਬ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਕਰੋ ਨਮਾਜ਼ 5 ਟਾਈਮ ਬਲਕਿ ਪੜ੍ਹੀ ਕਰੋ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮੁਮਕਿਨ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਐਂਡ ਕਰਨਾ ਪਿਓ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਸੀ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਿਲ ਸੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਲੈ ਸੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼